अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से व्यूअर? सब ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? और भाई व्यूअर्स, आप लोग सुनाए, सब खैरियत से हैं? क्या चल रहा है, कैसी रही ईद आप सबकी? सब ठीक ठाक है? कैसा गुजर रहा है टाइम? शानी बात करेंगे क्योंकि बहुत अरसे से, काफी अरसे से मैं ही बातें कर रही थी और काफी अरसे से मैं थी नहीं। उसकी वजह कुछ लोगों को पता है, बाकी हम बताते हैं आपको। क्यों नहीं कर, आज इस टाइम पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है वो भी हम आपको बताएंगे। ईशान बताएंगे आपको। ईशान आप बताएं। गाइज, आज बस ये है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो ईद पे हमें ईदी मिली है थोड़ी सी, ठीक है, गूगल की तरफ से। तो वो हमने शेयर करनी थी, और पिछले एक हफ्ते से कुछ मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब थी, तो शायद थोड़ी सी कमी बेशी आप लोगों को चेंजेस लग भी रही होगी सेहत वेहत में भी। तो इस वजह से ना ऑफिस जा पा रहे थे और ना ही मैं कहीं आना जाना हो रहा था, बस तबीयत बहुत खराब थी। एक हफ्ता नागा हुआ है मेरा ऑफिस का भी पूरा पूरा। थोड़ा और दूसरे भी इशू थे जिस वजह से भी हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, पर वो नहीं बता सकती मैं कि वो क्या इशू थे जिस वजह से हम लोग काफी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और बाकी मैंने बताया था कि मेकअप के क्यों हम अपडेट नहीं कर रहे थे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, ईशान के बगैर वीडियो बना के, कि ईशान की जॉब की वजह से और कुछ ईशान की तबीयत की वजह से वीडियो मेकअप पे हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो वो इसी वजह से घर के ही ब्लॉग्स बना रहे थे। तो आज भी जो है, आज आप लोगों को बहुत एक बड़ी बात बतानी है, तो इसलिए हमने जो है आज ब्लॉग बनाया, और आज भी इरादा नहीं था हमारा। बस ये है कि भाई आप लोग दुआ किया कीजिए, दुआओं में आप लोग की बड़ा असर है भाई। तो दुआओं से बहुत सी जो चीजें हैं वो, क्योंकि अल्लाह मियाँ उनका रुख मोड़ देता है, तो सही बात है। ये सब सारी चीजें हैं कि। और आज भाई ब्लॉग बड़े अरसे बाद हम लोग आ रहे हैं, काफी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आते हैं और कमेंट्स पे भी आ रहे हैं। तो हम तमाम सब देखने वालों से भाई, मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि यार थोड़ी सी तबीयत बड़ी बहुत ज्यादा मेरी मेरी पर्सनली उल्टी, मोशन, डायरिया और फूड पॉइजन वगैरह ये सब मुझे बहुत रहा है। ज्यादा मैं हो रहा पूरा था। एक हफ्ता पूरा हिल गया हूँ। तो इस चक्कर के अंदर जो है, बस वो जो खाया पिया, जो अचानक से रोजों के बाद जो है आपकी तरतीब आउट होती है, तो उसमें पकड़ में आ गया। तो ये सिलसिला रहा। बाकी आप लोग सब सुनाए, सब खैरियत है? क्या चल रहा है, क्या घरों में कैसी रही ईदें, कैसी गुजारी है? सबने कमेंट करके बताना है भाई कैसे कैसी ईद रही सबने है वापस सबकी। आना है और सबने वापस आके ज्वाइन होना है, हाँ, हमने इस सिलसिले को आगे लेके चलना है। अब थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि बाहर के भी, यानी मार्केट्स के व्लॉग्स आप लोगों को बनाएं, आप लोगों के दिखाएं कि भाई किस किस मार्केट में क्या क्या चल रहा है। तो कोशिश करेंगे अगर आगे ईशान की तबीयत सही रही तो। बस दुआ कीजिए। और दूसरा ये, कल से मंडे है, तो कल मंडे से फिर मुझे जाना भी है ऑफिस भी, हाँ, वापसी जाना है। वर्किंग एक बार डेज। फ्रेज ये भी है कि वापस हाँ ज्वाइन करना है एक हफ्ते बाद। मंडे में जान है तो जान है, हाँ सही बात है। तो ये चक्कर है। बाकी हमारी ईद भी सही गुजरी, ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह मियां ने अच्छी गुजारी, लाख दर्दे लोगों से। किसने क्या क्या खाया, कितनी ईदियां जमा हुई? मेरे पास कितनी ईदी जमा हुई? मेरे पास तो 1500 हुई है बस। शान आपके पास कितनी ईदी जमा हुई? मेरे पास ईदी नहीं आई, मेरे थे हाँ, अल्लाह का आपकी शुक्र, अम्मी ने दिए थे 500 रुपए, ना शुक्र अगर नहीं दिया करें ना। अम्मा ने और दिए मेरी थे। बहन ने भी दिए थे आपके 100 रुपए, अच्छा, तो ये भाई छह पांच छह सौ सौ हुए रुपए आए होंगे मेरे पास। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हाँ बड़ा खजाना जमा किया मैंने अच्छा, पांच छह ऐसे सौ। हमसे ज्यादा हमारे बच्चों के पास जमा हो गए थे। अली शान के पास तकरीबन 1500-1600 रुपए जमा हो गए थे, मिनहाज के पास भी तकरीबन इतने जमा हो गए थे, छोटियों के पास भी जमा हो गए थे। वो मिलती जा रही है, गुम करती जा रही है, तो ये वाला सिलसिला इन लोगों का चल रहा था। बड़ा अच्छा, बच्चों ने तो अच्छे से अपनी ईद मना ली, गए आए ज्यादा हम कहीं भी नहीं, सिर्फ एक कहाँ गए थे, मेरी बहन के घर पे गए थे, हाँ, और मेरी वालदा के घर यहाँ हम इन दो बस जगहों दो पे गए जगहों थे। पे तो गए थे। हाँ, भाई अब हमारे बच्चे भी आप देख लें, ये भी बड़े ईद के बाद से बेचैन हुए हैं, के ब्लॉग लगे, ब्लॉग क्योंकि ईद के के दिन का मैंने ब्लॉग डाला हुआ था। तो ज्यादातर ये आजे भाई उर्वा, वैसे आप लोगों को फैमिली उदा, ब्लॉगिंग ही देखने को ललित, मिलेगी, मिनाज, क्योंकि जिशान की भाई ये आ गए, मेनू सलाम तबीयत से करो। ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा एक साइड वो है, हमने शॉप में बनाया था, कोई हमारा ये आ गए पेशा नहीं है, उदा, तो बस उधर देखो ना मेरे पास क्या, वो मेरी देख फोन पे देख रहे हैं, भाई, ये उर्वा जो ये है, इन उर्वा आ लोगों ने गई भैया। फ्रॉक्स पहनी हुई है, तो ये जो है दोनों ने एक जैसी फ्रॉक पहनी हुई है। अलीशान भी जो है वहां बैठे हुए हैं, देख रहे अलीशान हैं। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ यार, आ जाओ फिर, हमने अपनी मेन बात पर आना है कि हमने क्या बताना है आज सब सबको। आए करो, सलाम करो, सलाम सब करो हाथ उसके। दिलाओ। और ये ये कैसे हैं आप अच्छा, लोग, ठीक दुआ जो ठाक है हैं? वो मेरी अम्मी के पास है, मेरी अम्मी की भी मिलू भाई, तबीयत आप सही भी नहीं ला है, दें। तो अम्मी की तबीयत को क्या हुआ है वो भी मैं बताऊंगी, तो मेरा दुआ जो है वो अम्मी के पास है, तो इस वजह से दुआ भी आपको नहीं दिखेगी। उसके अलावा बस ये था। तो वो बात क्या है ऋषान, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, भाई जिसके लिए देखिए, हमको आज का जो ब्लॉग है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा, मतलब ईद पे जो हमें गूगल ने ईदी दी है, लाइन दिखाया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। दिख
दिखाएं विनाश, दिखाओ भाई दिखाओ क्या है। तो भाई आप सबकी दुआओं से पहले तो सारे आंखें बंद करें जो हमने मिल, और फाइनली हमें मिल गया है ये, पहले मैं परछाई से दिखाऊंगा, ये ईदी आई है हमारी, ठीक है। तो ये गूगल एडसेंस की तरफ से हमें जो है हमारा पिन रिसीव हो गया, पिन रिसीव हो गया है, और भाई सबने बिल्कुल तालियां बजानी है सक्सेस के लिए। ये तो बस ये सारी चीज, ये चीज हमें बतानी थी, इसके लिए हम बड़े बेचैन थे कि जो है हमने ये बताना है। हमें ये बिल्कुल जुम्मे के टाइम रिसीव हुआ है, जुम्मे की जैसे जुम्मे के टाइम ही हमारा चैनल मोनिटाइज हुआ था, उसी टाइम पे हमें पिन रिसीव हुआ। निशान की तबीयत की वजह से हम आपको फौरन नहीं बता सके, तो इसलिए आज बता रहे हैं, क्योंकि गाइस इसमें मैरिन भी 3-4 दिन से उधर अपने इधर उधर जाना लगा हुआ था इसका भी, और मेरी अपनी तबीयत भी बहुत थोड़ा डाउन थी, तो घर में भी और फिर हॉस्पिटल में ड्रिपिंग चल रही थी, कोर्स चल रहा था एंटीबायोटिक का पूरा, तो वो एक चीज खत्म हो रही थी दूसरी तो, बट इसमें वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मेरी मम्मी की भी तरफ जाना हो रहा था, तो इस वजह से भी आना जाना की वजह से नहीं बना पा रहे थे, तो बस। और भाई ये हमारी सक्सेस रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और भाई इस चीज से ये प्रूव होता है कि देखें लोग कहते हैं कि भाई गूगल एडसेंस जो है ना वो घरों पे पाकिस्तान में नहीं भेजते, तो ऐसे कोई बात नहीं है, आपका एड्रेस सही होना चाहिए, आपकी लोकेशन सही होनी चाहिए, आपका पोस्टल कोड जो होता है जिप कोड यानी वो आप प्रॉपर डालें, जितने भी यूट्यूबर्स हैं। नहीं, हमें बहुत से लोगों ने डीमोटिवेट किया था हमारे जैसे, बहुत सारे लोगों ने, काफी लोगों ने के भाई कोई पिन विन कुछ नहीं आता और आप लोग ऐसी इतनी मेहनत कर रहे हो कुछ भी नहीं होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, गूगल एडसेंस ने और ऐसे टाइम पे भेजी है कि भाई ईद के फौरन बाद भेजी है, देखें आप ईद के मेरे खाते 4th या 5th दिन तक तो ये मैं रिसीव कर चुका था। अच्छा तो इसके बाद क्या था कि तकरीबन 5th या 6th दिन था ऐसा कुछ ना, तो ये हमें बतौर ईद ही हमें मिली है भाई, हम तो ये कहेंगे गूगल की तरफ से कि बहुत बड़ी ईद है, अचीवमेंट है कि वेरीफाई आपका पिन कोड आ गया, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हो गया है, आप वेरीफाई कर सकते हो, अब नेक्स्ट टाइम सब इंशाल्लाह जैसे ही $100 होते हैं तो हम जाके ये इसको निकलवाने का प्रोसेस भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे जब हमारी फर्स्ट पेमेंट आएगी, तो इंशाल्लाह वो भी अब जब इतना सब कुछ पार कर लिया है तो ये भी पार कर लेंगे निशान, तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रहेंगी। तो बाकी आप लोग सुनाएं भाई सब कैसा चल रहा है, आप किस किस के नाम लो, मुझे नाम लेते हुए भी बड़ा शर्म आ रही है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है भाई, नदीम भाई ने पूछा है, हफ्ता नूर ने पूछा है, खान खान करके एक भाई है उन्होंने पूछा है, भाभी है वो, उन्होंने पूछा था हमसे, तो काफी सारे लोगों ने, निदा भाभी ने पूछा था, और भी बहुत सारे सिलसिले हैं जो लोग पूछ रहे होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है बस थोड़ी मसरूफियत की वजह से आपको बताया, तबीयत की वजह से बहुत डाउन हुआ था, शुगर का खटका था कि भाई लोग कह रहे थे क्योंकि पैरों में स्वेलिंग्स वगैरह का काफी हो रहा था, मेरी तबीयत बहुत डाउन रही, तो इस चक्कर में 3-4 बीमारियां एक साथ आके लड़ गई, काफी टाइम से मेरे हो रहा था ना ऑफिस में, और भी वजहें थी जो हम नहीं बता सकते, कोई कह रहा था गुर्दे का मसला है, कोई कह रहा था उसका मसला है, तो फिर दिखवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर तो ओके, जो 3 टेस्ट बोले हैं डॉक्टर ने तो वो भी करवा लेंगे हम निशान, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज वेल, आप लोगों की दुआएं हैं, बाकी ये सारी चीजें, ठीक है भाई अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे इंशाल्लाह, अब करते रहेंगे, अब आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, हाँ इंशाल्लाह मिलते हैं गाइस आपसे ब्रेक के बाद, तब तक रखें अपना बहुत ख्याल।